नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी 2 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। अब वह दिल्ली की हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने अपना पक्ष रखा और वहां पर उनके पक्ष रख रहे वकील ASG राजू ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी अब आम आदमी पार्टी की संपत्ति भी कुर्क करने वाली है। दरअसल आपको बताए, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी ASG ने कोर्ट में बताया है, उन्होंने कोर्ट में जाकर कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने जा रहे हैं और समय आने पर कार्रवाई भी करेंगे। आपको बता दें, ईडी अगर संपत्ति कुर्क करती है तो उसे लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। बता दें, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव से पहले राजनीतिक द्वेष प्रेरित बताया है। अब इसको लेकर ईडी ने कहा है कि हमने पहला समन नवम्बर 2023 में भेजा था जब कोई चुनाव नहीं था। बता दें, ईडी की शुरुआती समन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का हवाला देकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ASG राजू ने ईडी की संभावित कार्रवाई और आपके तर्कों पर एक और बयान भी दे डाला। आपको बता दें, संपत्ति कुर्क करने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वे कहेंगे कि चुनाव के समय ये सब किया गया, अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि सबूत कहाँ है। उन्होंने कहा कि हम फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ जाँच को लेकर कि अभी शराब घोटाले केजरीवाल की भूमिका की जो जांच है वो खत्म नहीं हुई है और इस दौरान यह भी बहस की गई कि ये गिरफ्तारी को रद्द करने की नहीं बल्कि जमानत याचिका की है। वही आपको बताएं, ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने घोटाले के पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनाव कैंपेन के लिए किया गया था। वहीं ईडी ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के निर्माण में शामिल थे। वहीं ईडी ने उन पर शराब घोटाले का भी मुख्य सरगना यानी किंग पिन भी कहा है। वैसे में देखना होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर आती है या नहीं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तमाम नेता ये सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है। जेल में उनकी तबीयत लगातार खराब बताई जा रही है। आपको बता दें, उनका जेल में जाने के बाद से 4.5 किलो वजन कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसपे आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है कि उनको उस हिसाब से सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की तबीयत के बारे में अपडेट दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक सिवियर डायबिटीज के पेशेंट है। डायबिटीज के एक सिवियर पेशेंट होने के नाते दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है। जिस हिसाब से उनका शुगर लेवल बढ़ता है गिरता है उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जब सिवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आँखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। सिवियर डायबिटीज का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज़ के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज़ को, अपने स्वास्थ्य को,
अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। तो देखा आपने किस तरीके से आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में अब आम आदमी की पार्टी इस तरीके से बढ़ना और उनकी मुश्किलें बढ़ना और कहीं ना कहीं अगर उनकी संपत्ति जब्त हो जाती है तो ये केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है और ऐसे में हो सकता है उनका वजन और भी कम होता हुआ नजर आए। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पर।